समय पर इलाज नहीं मिलने से बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा। बीती रात जिला अस्पताल के बाहर 2 घंटे तक मरीज एम्बुलेंस में ऑक्सीजन पर रहा परेशान। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल जेएलएन अब 24 घंटे पुलिस के पहरे में संचालित हो रहा है। अलग अलग गेटों पर तैनात पुलिस अपने स्तर पर पूछताछ कर गंभीर मरीजों को ही अंदर जाने दे रही है, बाकी को शहर के अन्य पीएचसी और सीएससी व निजी चिकित्सालय जाने की सलाह दी जा रही है। वहीं बीती रात 108 एम्बुलेंस के पायलट सुखदेव सिंह को जयपुर से फोन आया कि अरावली नगर में एक मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उसे अटेंड करें। इसलिए उन्होंने तत्काल मरीज को अटेंड किया। सुखदेव ने तत्काल मरीज के पास पहुंचकर उसे ऑक्सीजन लगाई और जेएलएन अस्पताल ले आए, लेकिन विडंबना देखी कि 2 घंटे तक एम्बुलेंस में मरीज ऑक्सीजन पर पड़ा रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से उसे एडमिशन तक नहीं मिला। ऐसे में मरीज और उनके परिजन करें तो क्या करें। समय पर मरीजों को चिकित्सकीय सेवाएँ नहीं मिलने की वजह से ही मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, जिसे प्रयास कर रोकना होगा, अन्यथा हालात और बदतर होते जाएंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आगे वाला वो बताइए जी भैया। हाँ भैया बताइए, क्या सूचना मिली है, क्या मरीज क्या? हाँ, हमारे को 1.5 घंटे पहले कॉल आया था जयपुर से कि अरावली नगर में एक पेशेंट है जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। तो हमारे पास में कॉल आई, हम रवाना हो गए और हम वहाँ पर पहुँचे तो उनका ऑक्सीजन लेवल वाकई कम था, तो ऑक्सीजन लगाई हमने उनको। ऑक्सीजन लगा के फिर जेलन के लिए रवाना हुआ, और जेलन आए तो यहाँ पे एंट्री नहीं दे रहे हैं। अब जेलन में बोल रहे हैं कि यहाँ पे बेड फुल हो रखे हैं, तो आप पेशेंट को अभी अंदर नहीं ले जा सकते हैं। अभी हमारे को मना कर रहे हैं अंदर ले जाने के लिए, और अभी पेशेंट एम्बुलेंस में है और ऑक्सीजन पर है अभी। क्या करें सर, हमारा तो मजबूरी है सर। अब पेशेंट को हम उतार भी नहीं सकते हैं, ना वापस घर छोड़ सकते हैं। ऑक्सीजन पे लगा तो ऑक्सीजन के रिस्क कैसे लग सकते, कल ने अगर बाय चांस कुछ हो जाता है पेशेंट को, तो हमारी जिम्मेदारी होगी ना। इसलिए अब क्या करें, हम गाड़ी के अंदर पेशेंट बैठा है और ऑक्सीजन पे हैं अभी। जब तक ऑक्सीजन चालू है तब तक तो है वो, जब तक वो गाड़ी में बैठा तो आप भेजी तो स्टेशन पर। अब आगे जयपुर भी हमने बात की है तो जयपुर वाले बोल रहे हैं आ रहे हैं अंदर से। अब अंदर से इनके पता नहीं कौन आ रहे हैं, 1 घंटा तो समथिंग हो गया, तो अभी तक तो कोई है ही नहीं है। ऐसे में तो कोई हादसा हो जाए तो आप वहाँ पर भी नहीं जा सकते। अब क्या करें, अगर हादसे इसीलिए तो हम ऑक्सीजन दे रखी है उनको कि भाई पेशेंट बच जाए कैसे। हम तो अपनी तो पूरी कर रहे हैं, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश। ठीक है भैया, आपका नाम बता दीजिए। मेरा सुखदेव सिंह नाम है। क्या है आप? पायलट हूँ मैं, 108 एम्बुलेंस।